नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज इंडिया। बजट से बंगाल में चुनावी फायदा लेने की कोशिश। कोरोना महामारी और इसकी वजह से लगातार गिरती अर्थव्यवस्था केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। फिर भी तमाम आर्थिक संकटों के बावजूद केंद्र सरकार ने अपने बजट में उन राज्यों के प्रति खास दरियादिली दिखाई है जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सबसे ज्यादा मेहरबानी पश्चिम बंगाल पर है, इसके बाद असम का नंबर है। वैसे बंगाल से ज्यादा ध्यान तमिलनाडु का रखा गया है। दरअसल भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता के प्रमुख दावेदार के तौर पर उभरी है। तृणमूल कांग्रेस को उसने बुरी तरह घेर रखा है। भाजपा यहाँ कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। दूसरी ओर असम में NRC और CAA की वजह से भाजपा के सामने सरकार बचने की चुनौती है। बंगाल को हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट। पश्चिम बंगाल की सरकारें हमेशा से केंद्र पर उपेक्षा करने का आरोप लगाती रहती हैं। ऐसे में पहली बार केंद्र ने इस राज्य के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार 2014 से ही केंद्रीय बजट में बंगाल की उपेक्षा का आरोप लगाती रही है। ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि केंद्रीय सरकार की उदासीनता और बजट में पर्याप्त आवंटन नहीं होने की वजह से कोलकाता की ईस्ट वेस्ट मेट्रो समेत कई केंद्रीय परियोजनाएं कछुए की चाल से चलती रही हैं। बंगाल में 25,000 करोड़ की लागत से 675 किलोमीटर नई सड़कें बनाने का ऐलान। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बंगाल की शिकायतों को दूर कर दिया है। वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ की लागत से 675 किलोमीटर नई सड़कें बनाने का ऐलान किया है। इनमें कोलकाता की सिलीगुड़ी से जुड़ने वाली सड़क की मरम्मत भी शामिल है। वित्त मंत्री ने कोलकाता के नजदीक डानकुनी से फ्रेट कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। इसके अलावा राज्य के गड़खपुर से विजयवाड़ा तक एक अलग फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे माल परिवहन में तेजी आएगी। इसके अलावा बंगाल में एम्स की स्थापना की भी योजना है। यही नहीं, सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान नोबेल पुरस्कार विजेता कवि गुरु रविन्द्रनाथ जी की एक कविता का भी जिक्र किया है। Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. यानी विश्वास वह चिड़िया है जो सुबह के अंधेरे में भी रोशनी महसूस कर लेती है और गाती है। वित्त मंत्री ने कहा कि इतिहास में ये पल एक नए युग की सुबह का है, जिसमें भारत उम्मीदों की भूमि बनने की ओर से अग्रसर है। पश्चिम बंगाल और असम में चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों के वोट उन क्षेत्रों में निर्णायक साबित होते हैं। चाय बागानों के मजदूर की बुरी हालत भी किसी से छिपी नहीं है। बंगाल के चाय बागान बहुत उत्तरी इलाके में विधानसभा की 56 सीटें हैं। इलाके में लंबे अरसे से एक दर्जन से ज्यादा बागान बंद पड़े हैं। इसके अलावा कई बागान घाटे में हैं और वहां के मजदूरों को राशन और स्वास्थ्य जैसी न्यूनतम मौलिक सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। इस इलाके से अक्सर मजदूरों के भुखमरी का शिकार होने की खबरें आती हैं। बीते एक दशक में 500 से ज्यादा मजदूर अकाल मृत्यु का शिकार हो चुके हैं। बागानों में मजदूरों की बुरी स्थिति के कारण वहाँ हिंसा भी काफी होती रहती है। अशिक्षा और अंधविश्वास का यहाँ का बोलाबाला है, लेकिन केंद्र या राज्य सरकार ने अब तक इन बगानों और उनके मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया था। बहरहाल, इसे ध्यान में रखते हुए बजट में इन दोनों राज्यों के चाय मजदूरों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। मजदूरों के अलावा चाय उद्योग भी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। पिछले साल असम सरकार के समक्ष अपील करते हुए चाय वर्करों के एसोसिएशन ने कहा था कि आयुष मंत्रालय को इसके लिए आगे आना होगा और इम्यूनिटी संवर्धक के तौर पर चाय को प्रमोट करना होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि लॉकडाउन के कारण ये सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़कों का जाल असम में भी बिछेगा। बजट में अगले 3 साल के भीतर असम में 13,100 किलोमीटर से ज्यादा का राष्ट्रीय राजमार्ग तैयार किया जाएगा। इसके लिए बजट में 34,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। बजट में 19,000 करोड़ रुपए से चल रहे राजमार्गों के काम का हवाला भी दिया गया है। केंद्र सरकार की दरिया दिली पर ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने स्वाभाविक तौर पर चुनावी प्रतिक्रिया ही व्यक्त की है। पार्टी के प्रवक्ता डेरेक ओ ब्रायन ने केंद्रीय बजट का विजन लेंस बताते हुए सरकार की दरियादिली को चुनावी बताया है। उन्होंने कहा है कि फर्जी बजट का फोकस भारत को बेचना है। डेरेक ने कहा है कि बंगाल जो कल कर चुका है, केंद्र आज उसकी बात कर रहा है। हमारी सरकार ने वर्ष 2018 में 5,111 किलोमीटर लंबी नई सड़कें बनाई हैं, जो देश में एक रिकॉर्ड था।
उसके बाद वर्ष 2019 में 1165 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण हुआ था, लेकिन अब केंद्र सरकार महज 675 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण का वादा कर रही है। विपक्षी CPM और कांग्रेस ने भी बजट को चुनावी करार दिया है। CPM नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि इस बजट में आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई गई है, इससे साफ है कि सरकार की निगाहें अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। उसके बाद पहले की तमाम परियोजनाओं की तरह ये परियोजनाएं भी खड़े बस्ते में चली जाएगी। उधर कांग्रेस नेता अब्दुल मनान भी इसे चुनावी बजट मानते हैं। उनका कहना है कि भाजपा की राजनीतिक मंशा साफ हो गई है।